तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाना जा रहा हूँ ये काफ़ी स्पेशल है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं सलवार से आपको एक प्लाजो बनाना सिखाऊंगा। आपकी जो भी आपके घर में सलवार रखी हो बड़े साइज की वो आप इसको ले सकते हो। हम प्लाजो कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैंची की मदद से इसकी बेल्ट को मतलब अलग कर देंगे, अलग करके रख के, और इसकी जो नीचे की मोरी है ये मोरी को भी हम कट कर देंगे। अगर आपके पास ओपनर है तो आप इसको ओपनर से भी खोल सकते हो, वरना आप इसको कैंची से इस तरीके से कट करके आराम से इसकी बेल्ट को निकाल सकते हो। आप देख सकते हो हमने इसकी प्लेटें, ये बेल्ट जो है निकाल के प्लेटें वगैरह हमने खोल ली हैं। और अब क्या करेंगे, इसके जो पोंचे हैं नीचे के वो भी हम कट कर लेंगे कैंची की मदद से। और लंबाई वगैरह जो छोटी होगी वो इसमें हम, कपड़ा इसमें बहुत है तो इसमें हम एडजस्ट करके इसकी लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसमें लंबाई बढ़ाना ही बताऊँगा ताकि आपको दिक्कत नहीं पड़े। हमने इसकी पोंचे भी काट ली है नीचे से, इसकी साइड वाली जो सिलाई है ये वाली, इसको भी हम खोल लेते हैं। हमने इसकी साइड की सिलाई भी खोल ली है, इसकी प्लेटें भी निकाल दी हैं, उसकी बेल्ट को भी अलग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जितना भी हमें मेजरमेंट चाहिए उसके हिसाब से हम इसकी कट करते हैं। ऊपर से पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से हम इसको एक सार कर लेते हैं। तो हम इसको ऊपर से अच्छे से लाइनअप से मतलब सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को ये वाले को कट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो चुकी है, यानी हमारे प्लाजो के लिए परफेक्ट है। अब इंची टेप की मदद से अब हमें जितनी भी लंबाई वगैरह चाहिए वो हम इसकी ले लेते हैं मेजरमेंट। अब हम बेल्ट को पहले तो अच्छी तरीके से स्टार कर लेते हैं, बिल्कुल सेट कर लेते हैं ताकि हमें सिलाई में कोई दिक्कत नहीं पड़े। अब इसको सीधा करने के बाद यहाँ से भी इसको मिला के इसको थोड़ा इसके ऊपर चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें इसके ऊपर स्टिचिंग भी करनी है। तो करीब आप एक आधा इंच इसके ऊपर रख के लंबाई का निशान लगाएंगे, और जो भी इसमें छोटा बड़ा होगा वो हम नीचे को एडजस्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से इसकी लंबाई का निशान लगाते हैं, यहाँ से इंची टेप रखते हैं, और हमें इसकी लंबाई चाहिए 35। अभी हमें इसमें कितना चाहिए, हमारी हो रहा है 32 है इसकी लंबाई कंप्लीट। तो इसमें हमें कितना अभी चाहिए, हमें चाहिए 4 इंच एक्स्ट्रा। तो 4 इंच हम इस साइड से निकाल सकते हैं इसके। तो पहले हम इसका यहाँ से मेजरमेंट ले लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप इसकी बेल्ट को यहाँ से छोटा करना चाहें अपने हिसाब से तो कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से रखूँगा क्योंकि हमें इसमें ऊपर की नहीं तो मोड़ना नहीं है, क्योंकि गैदर की नहीं हमारा ऑलरेडी मुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको लेंगे, मैं यहाँ से इसको लूँगा 10.5 इंच। 10.5 पे मैं यहाँ से लंबाई यहाँ से निशान लगा दूंगा चौड़ाई में ऐसे। और उसका जो आसन रखेंगे हम आसन रखेंगे 13 इंच पे। तो यहाँ से हम 13 इंच ले लिया है हमने, तो ऊपर से हमने लिया था 10.5, तो नीचे भी हम 10.5 पे ही ले लेंगे। और इस वाली लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। इस लाइन को सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद फिर यहाँ से हम 1.5 इंच आगे लेके इसको एक शेप दे देंगे आसन के लिए। इसको राउंड इस तरीके से घुमा देंगे। राउंड घुमाने के बाद आपको जितना भी इसको लेना है फ्लेवर को, मतलब जितना भी आपको इसको लूज रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं इसकी जो नीचे से मोरी रखूँगा, पहुँचे 16 इंच हमने रख दिए हैं, अभी इस तरीके से शेप दे देंगे। और बाकी जो हमें लंबाई चाहिए वो हम इसमें से ले लेंगे। तो इसमें हम ये जो लाइन करी है हम इसके हिसाब से कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगी, ऑलरेडी ये लूज है। तो फिर इसको यहाँ से इस तरीके से गोल राउंड शेप दे के घुमा देंगे। और जब हम इसकी बेल्ट चढ़ाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें हम कैसे करके सिलाई लगाएंगे। तो अब इसके हम लंबाई को बड़ा करना है, तो हम इसकी लंबाई को बड़ा करेंगे। चलिए नीचे वाले फेब्रिक को हम एक साथ कर लेते हैं ताकि जब हम इसको नीचे ज्वाइन करें कपड़ा तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो। तो इसलिए हमने इसको पहले यहाँ से एक सार कर लेते हैं। ये हमने नीचे से एक सार कर लिया है। अब हम इसमें देखते हैं हमें 36 लंबाई के लिए इसमें कितना आप चाहिए मार्जिन और कितना इसमें ज्वाइन करना है। तो ये अब हमारा आ रहा है कंप्लीट, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा है वो सिलाई में वहाँ दब जाएगा 31 है। तो यानी हमें इसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 5 इंच एक्स्ट्रा जो लेंगे हम इसी कपड़े से ले लेंगे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है। तो हम इसी को ही इसमें जोड़ देंगे। पहले यहाँ से इसको अच्छी तरीके से हम एक साथ कर देंगे ताकि हम जब इसको लगाएं तो हमारे पार्ट जो हैं छोटे बड़े नहीं हों। इसको इस तरीके से 1/2 इंच ऊपर चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें इसमें सिलाई भी लगानी है। तो ये करने के बाद हम इस पर हम निशान लगा लेते हैं जितना भी हमें चाहिए, और यहाँ से भी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़ा, यहाँ से हम इतना इतना ले लेंगे एक्स्ट्रा जितना हमें सिलाई लग जाए हमारी। यहाँ से हमने इतना एक्स्ट्रा ले लिया है। एक्स्ट्रा लेने के बाद फिर हम 36 इंच पे लंबाई का निशान लगा देंगे, और यहाँ से तो इतना लेंगे क्योंकि यहाँ से हमें स्टिचिंग अभी नहीं करनी है। तो यहाँ से हमने इतना ही ले लिया है। तो
इसको इसके हिसाब से ही हम कट कर लेते हैं जितना ही आ रहा है, और जितना आपको फोल्ड करना है आप लेस वगैरह चाहो तो लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है इसमें। तो यहाँ से हमने 1 इंच लेके, 1 इंच लेने के बाद इसको हम यहाँ से कट मार लेंगे। और ये हमारा प्लाजो बिल्कुल रेडी है। जितना हमें फोल्ड करना है वहाँ पे हम एक इस तरीके से कट लगा देंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इतना फोल्ड करना है। और कभी भी आपको फोल्ड वाली जगह पे इस तरीके से कट लगा लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम बेल्ट का करते हैं। पहले इसकी बेल्ट की हम इतनी इतनी सिलाई खोल देंगे, इतनी इतनी सिलाई खोल के हम इसको सीधा कर लेते हैं। पहले दोनों साइड से इतनी इतनी सिलाई खोल लें और फिर इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। हमने बेल्ट की इतनी इतनी सिलाई खोल दी थी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था। इतनी इतनी सिलाई खोलने के बाद हमने एक सीधी सिलाई मार ली है, ताकि हमने इसे साइड से ज्वाइन कर लिया है। और बाकी आप इसको राउंड शेप, जब आप इसमें गैदर डाल लें, गैदर डालने के बाद इसमें गोलाई में एक सिलाई मारेंगे तो आपकी बेल्ट बिल्कुल रेडी है हमारी। तो मैंने खोल दी थी, तो अब इसको हम इस तरीके से मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ये हमारी बेल्ट कंप्लीट मतलब तैयार है। पहले हम इसके ऊपर वाले पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। पहले हम इसके आसन उसन पे सिलाई लगा देते हैं इस तरीके से, एक एक पैर की सिलाई दोनों साइड हम लगा देते हैं आसन में। हमने बेल्ट को भी लगा दिया है, बेल्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके आसन में साइड में भी हमने सिलाई लगा ली है, और नीचे की जो हमने पट्टियाँ ली थी वो जोड़ वाली, उसमें भी हमने साइड में आप देख सकते हो हमने आधा आधा इंच पे सिलाई लगा के नीचे इसको फोल्ड कर दिया है। जितना मैंने कट पे लगाया था उतना हमने इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको उल्टा इस तरीके से रख के इस पे इसमें नीचे भी जॉइन कर देंगे इसके नीचे। फिर हम इसकी सिलाई लगा के इसकी लंबाई को जो है कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसकी नीचे देखो आप दोस्तों, मैंने इसकी बेल्ट भी रेडी कर ली है। बेल्ट लगाने के बाद आधा आधा इंच पे इसके आसन को भी जो है हमने आसन को भी हमने इसको जॉइन कर लिया है। आसन को जॉइन करने के बाद जो हमने नीचे कट वाली पट्टी लगाई थी, जो कि हमने एक्स्ट्रा जोड़ लगाया था 5 इंच का, वो भी मैंने जोड़ लिया है और नीचे से मैंने फोल्ड भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी बेल्ट चढ़ानी है। बेल्ट हम कैसे करके चढ़ाएंगे, इस तरीके से हम इसको लेंगे। इस तरीके से लेने के बाद उसको बेल्ट को हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको अंदर को रखेंगे। हमारा ये वाला हिस्सा जो है ये उल्टा होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी उल्टी साइड है और बेल्ट जो है हमारी सीधी रखी हुई है। तो बेल्ट को हमें सीधी को इस तरीके से लेके इसके अंदर डालना है। अंदर इस तरीके से रख के इसको और पूरे में एक राउंड सिलाई लगा दे देंगे, गोल करके पूरे में एक राउंड सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा पूरा प्लाजो रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमने पूरे ज्वाइन कर लिया है। हमने इसमें साइड में बेल्ट भी लगा ली, आसन पे सिलाई भी मार ली और फिटिंग का निशान भी लगा लिया। अब मैं इसको, आप जो ऊपर मैंने इसको मोड़ा नहीं है वो इसमें हम गैदर डालने के बाद, जितना भी आपको चाहिए अपने हिसाब से डालने के बाद आप इसको कर सकते हो। एक बार हम इसको रेडी देखते हैं। तो दोस्तों देखा आपने हमने कितने जल्दी एक जो हमारी वेस्ट सलवार थी उससे हमने एक अच्छा सा प्लाजो बना लिया, जिसको कि आप डेली यूज में पहन सकते हो। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके की पार्टी वेयर सलवार भी हो तो आप उससे भी एक अच्छा सा प्लाजो बना सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर इसको लेकर आपको कुछ भी आपके मन में कोई भी कमेंट आ रहा है तो आप मुझे करके बता सकते हो, मैं आपको उसका सलूशन जरूर बताऊंगा। अगर आपको इसमें कुछ और चेंज चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें नीचे जॉइंट में आप देख सकते हो मैंने ये कपड़ा लगाया है, अगर आप चाहो तो इसमें लेस भी लगा सकते हो चौड़ी वाली, जैसे कि आप देख सकते हो फ्रिल वाली चौड़ी वाली आती है, आप इसमें वो भी ज्वाइन करोगे तो और अच्छा लगेगा। आप इसको चाहो तो टॉप के साथ ही पहन सकते हो तो ये और अच्छा लगेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।